नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब छपरा के लोगों को पटना बस स्टैंड नहीं आना पड़ेगा, ना ही मुजफ्फरपुर के लोग हलकान होकर पटना से बस पकड़ेंगे, क्योंकि अब कई छोटे शहरों से भी छत्तीसगढ़ और कोलकाता जैसे राज्यों में जाने के लिए बस सेवा शुरू होगी। इसको लेकर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव में बस रूट का जिक्र किया गया है। अब इस पर राज्य सरकार के दिशा निर्देश और स्वीकृति के बाद सेवा जल्द शुरू हो जाएगी। अमूमन हम देखते हैं कि बिहार के छोटे मोटे शहरों से बस यात्री राजधानी पटना आते हैं, जहां से वे दूसरे राज्यों के लिए बस पकड़ते हैं। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में दूसरे राज्यों में जाने के लिए सभी शहरों से बस की सुविधा नहीं है, मगर इस योजना के शुरू होने के बाद छोटे शहरों के बस यात्रियों को आराम मिलेगा। बस पकड़ने के लिए उन्हें बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। बताते चले कि कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकृति मिलने के बाद इस योजना से जुड़े सभी वाहन मालिकों को परमिट दिया जाएगा। फिलहाल के लिए कुछ चुनिंदा शहरों के लिए प्रस्ताव को तैयार किया गया है, जिसमें भागलपुर से कोलकाता वया दुमका वर्धमान होते हुए बस चलाने का प्रस्ताव तैयार है। इसके अलावा पटना से दुर्गापुर के लिए बस चलेगी, जो कि औरंगाबाद, हजारीबाग और धनबाद होते हुए आवाजाही करेंगी। वहीं छपरा से सिलीगुड़ी के लिए बस सेवा शुरू होगी, जिसका रूट हाजीपुर, बेगूसराय होते हुए पूर्णिया होगा। सिलीगुड़ी के लिए पटना से बस खुलेगी, जो कि मुजफ्फरपुर और पूर्णिया होकर चलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार से छत्तीसगढ़ के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह बस पटना से खुलेगी और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में इसका सफर खत्म होगा। साथ ही पटना से छत्तीसगढ़ के कुनकरी शहर और बक्सर से वहाँ के जसपुर शहर के बीच भी बस चलेगी। इसके साथ ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बिहार के छोटे शहरों का भी ध्यान प्रस्ताव तैयार करने में रखा है। इसके तहत भागलपुर से धनबाद, हल्दिया व वर्धमान होते हुए कोलकाता के लिए बस शुरू होगी। गया से चतरा, धनबाद व आसनसोल होते हुए कोलकाता के लिए बस चलेगी। पटना से औरंगाबाद, हजारीबाग व धनबाद होते हुए दुर्गापुर के लिए, तो पटना से बख्तियारपुर, पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी के बीच बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सहरसा से पूर्णिया व दालकोला होते हुए सिलीगुड़ी के लिए बस शुरू होगी। मोतिहारी से मुजफ्फरपुर, पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी के लिए बस चलेंगी। छपरा से हाजीपुर, बेगूसराय व पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी, पटना से मुजफ्फरपुर व पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी के लिए, राजगीर से बिहार शरीफ, बख्तियारपुर व पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी तक बस शुरू होगी। इसके अलावा पटना से पूर्णिया व किशनगंज होते हुए ठाकुरगंज, पूर्णिया से दालकोला होते हुए रायसगंज, पटना से जहानाबाद, गया, शेरघाटी, औरंगाबाद, डाल्टनगंज व रामानुजगंज होते हुए अंबिकापुर के लिए बस चलाने का फैसला लिया गया है। आरा से विक्रमगंज, सासाराम, औरंगाबाद, डाल्टनगंज व रामानुजगंज होते हुए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर तक बस शुरू होगी। डिहरी से औरंगाबाद, डाल्टनगंज, लोहरदगा व गुमला होते हुए छत्तीसगढ़ के जसपुर के लिए बस चलेंगी। साथ ही छपरा से पटना, औरंगाबाद, डाल्टनगंज, अंबिकापुर व घाटगाड़ी होते हुए कोरबा तक, पटना से सिमडेगा, गुमला, चतरा, डोभी, गया व जहानाबाद होते हुए कुनकुरी तक, बक्सर से सासाराम, डिहरी, औरंगाबाद, डाल्टनगंज, लातेहार, चंदवा व गुमला होते हुए जसपुर तक, बेगूसराय से बख्तियारपुर, रांची व सिमडेगा होते हुए कुनकुरी तक, मुजफ्फरपुर से पटना, बख्तियारपुर, हजारीबाग, रामगढ़ी, रांची व गुमला होते हुए जसपुर के बीच बस चलेगी। साथ ही पटना से सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद, रामानुजगंज होते हुए अंबिकापुर के बीच बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया है। तो अब इस योजना को सरकारी निर्देश का इंतजार है, जिसके बाद बताए गए शहरों के नाम में से अगर आप भी उस शहर के रहने वाले हैं तो आप इस बस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।